साथियों नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा और आज जो हम बात करने वाले हैं स्पेशली यूपी स्पेशल के लिए वीडियो लेखपाल और जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी भर्तियां होती हैं वैकेंसी उसके लिए आज हम हिंदी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी में आज हम बात करेंगे व्याकरण या ग्रामर के बारे में। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण या अक्षर। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही वर्ण होगा, अक्षर तो और क्यों नहीं सही। इसका ये रीजन है कि पहले ध्वनि क्या होता है, तो ध्वनि मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वतंत्र जो स्वर ध्वनि कहलाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ मौखिक भाषा में मतलब वर्बली किया जाता है। बात करते हैं वर्ण की यानी अक्षर की, तो वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके मतलब उसको और डिवाइड न किया जा सके वो वर्ण कहलाता है। जैसे आ आ का खा ऐसे आदि शब्द जो है आते हैं। बात करते हैं शब्द की, तो शब्द में क्या होता है कि वर्णों के सार्थक और सुव्यवस्थित मेल को जो शब्द कहते हैं, जैसे पानी, अनाज, विकास आदि जैसे वर्ण जो है शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं पद की, तो पद में वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। शब्द और पद में सिर्फ यही अंतर होता है कि शब्द शब्दकोश में मिलते हैं और पद जो है वाक्य में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन उठता है कि वाक्य क्या है? तो यहाँ पर वाक्य एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करने वाले शब्द के समूह को कहा जाता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, राम पानी पी रहा है, रोहन गाना गा रहा है, तो ये जो हुआ एक वाक्य हुआ। देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, पहला ऑप्शन मलयालम, दूसरा उड़िया, तीसरा मराठी और चौथा तमिल। तो यहाँ पे आपका आंसर सी सही है, मराठी। सी क्यों सही इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं पहले लिपि क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है। तो किसी भी भाषा के लिखने की जो व्यवस्था होती है वही लिपि कहलाती है। संस्कृत हो, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, किसी भी भाषा में जो है लिपि को हम लिख सकते हैं। और लिपि का नाम जो है देवनागरी होता है। तो जो हम देखते हैं संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं की जो लिपि होती है वो देवनागरी है। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि अरबी फारसी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो यहाँ पे आप रोमन मान सकते हैं। बात करते हैं उर्दू भाषा की लिपि की, तो यहाँ पे अरबी और फारसी लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सी पंजाबी भाषा की लिपि है, और आपके ऑप्शन दे दिए जाते हैं, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी, फारसी। तो यहाँ पर आपको गुरुमुखी लिखना है जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि ये क्या होता है। तो संस्कृत, पाली, हिंदी जो भी हमने भाषाएं दे रखा है स्क्रीन पर आपके सामने जो प्रदर्शित हो रही, ये सारी भाषाएं जो हैं नेपाली उपभाषाएं, और इसके साथ साथ जो ये हमारी देवनागरी लिपि में सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और अधिकतर भारतीय लिपियां जो हैं ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। बात करते हैं देवनागरी जो कैसे लिखी जाती है। तो देवनागरी जो ये लैंग्वेज जो है ये बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है मतलब लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और प्रत्येक शब्द के ऊपर, वर्ड के ऊपर एक रेखा खींची जाती है। कुछ वर्णों के ऊपर रेखा कटी होती है जैसे धा भा, जैसे शिरो रेखा कहते हैं। तो जो रेखाएं कटी होती हैं कुछ वर्णों के ऊपर उसे क्या है, उसमें एग्जाम्पल है धा और भा। और जो प्रत्येक शब्द के ऊपर जो कुछ रेखाएं खींची होती हैं इसे आप शिरोरेखा कहते हैं। देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा 45 ऑप्शन है, दूसरा है 49, तीसरा ऑप्शन है 52, फोर्थ है 53। तो 45, 49, 52, 53, इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 52। अब बताएंगे क्यों सही है इसके बारे में आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिटेल में दिया गया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में, तो टोटल 52 वर्ण है जिसमें 11 मूल स्वर वर्ण जिन्हें र का उच्चारण अब स्वर जैसा नहीं होता, 33, 33 मूल व्यंजन, 2 उच्छित व्यंजन, 2 अगोहवा और 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन है। पहला जो 11 मूल स्वर है उसमें अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ आता है, 2 अयोगवाह है जिसमें अम अहा आता है, तथा इसके साथ 33 मूल व्यंजन मतलब 33 मूल व्यंजन है जिसमें दिए गए हैं का खा गा अड़ा, चा छा जा झा इया, टा ठा डाढ़ा अड़ा। तो ये पूरे जो है ये 33 जो है मूल व्यंजन है, इसके साथ साथ 2 उत्क्षिप्त व्यंजन जो है अड़ा और ढा है,
देन बात करते हैं फोर संयुक्त अक्षर व्यंजन, तो इसमें छ, त्रं, ज्ञ, स्र, ये जो है वर्ड जो है आते हैं आपके, ये जो है देवनागरी लिपि में जो है यूज होते हैं, और ये 52 टोटल वर्ण होते हैं। इसमें आपके पूछ सकते हैं कि कितने मूल स्वर्ण वर्ण है, तो यहाँ पर आपको 11 ऑप्शन देना होगा। 33 मूल व्यंजन है और 2 उच्छेद व्यंजन, 2 अयोगवाह और 4 जो संयुक्त अक्षर व्यंजन होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर C52 सही है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? तो ऑप्शन है ई, आ, ओ, या। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है स्वर मतलब वॉवल, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो उन्हें वो स्वर कहलाते हैं। ये टोटल जो है नंबर संख्या जो होती हैं 11 होती हैं, 11 जो अ आ ई ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। हिंदी में ऋ का उच्चारण स्वर जैसा नहीं होता है, इसका प्रयोग केवल संस्कृत में तत्सम शब्दों में होता है। उच्चारण के समय की दृष्टि के स्वर के तीन भेद दिए गए हैं, जो कि पहला ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल, उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ ई ऊ, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल स्वर है या ह्रस्व स्वर है, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है। देन बात करते हैं दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल्स की, तो उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना अधिक समय लगता है, जैसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ये हिंदी में सात हैं, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, इसमें जो भी उसमें छोटा था इसमें एक हिसाब से बड़ा हो गया है। देन बात करते हैं प्लुत स्वर की लॉन्गर वॉवल्स, तो इसमें हृदय स्वर से तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, ढ, ला, सा, का। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है सही है बी, ला। अब क्यों सही, तो इस पे बात करेंगे। तो पहले आप व्यंजन जो होता है कॉन्सोनेंट, तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं, या मूलतः संख्या में 35 होते हैं, 35। इनके निम्नलिखित भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, स्टॉप कांस्टेंट, का से मा तक कुल जितने भी वर्ण होते हैं 25 वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं जिसमें से 20 वर्ण स्पर्श तथा 5 व्यंजन स्पर्श संघर्षी छ वर्ग व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जो का वर्ग होता है का खा गा घड़ा, छ वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढाड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा होता है। देन बात करते हैं उच्छिम व्यंजन फ्लैप कांस्टेंट, तो इसमें अड़ा और ढा होता है। अंतःस्थ में अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? प्रोक्सिमिनेंट कॉन्स्टेंट में यह रा लावा होता है। बात करते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन सिब्लियंट, तो सा 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 हा होता है। देन बात करेंगे हम, तो आगे भी आपको क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सा या गा जा, तो आपका ऑप्शन बी से या। तो इसमें हम पहले बात करेंगे कि जो नसल कांस्टेंट है ये नासिक के व्यंजन है, इसे क्या होता है? तो ना जो स्पर्श व्यंजन तालिका के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग तथा प वर्ग के पंचम वर्ण यानी अड़ा या अड़ा ना मा को नासिक व्यंजन कहते हैं। अनुसार बिंदु जो होता है उसको, इसका जो है प्रयोग स्पर्श व्यंजन तालिका के एक हिसाब से पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन के आधार पर होता है, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग के पंचम वर्ण यानी अड़ा या अड़ा ना मा के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह जो ऊपर बिंदी दी हुई थी जो है अंकी, उसको जो है इस बिंदु का योज होता है। अनुस्वार मूलतः व्यंजन ही है, जैसे गड्ढा, गंगा, पंच, पंडित, हिंदी, दम्ब, दम्ब, ये जो है वर्ड यूज होते हैं। देन बात करते हैं अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, जो आप कभी कभी ओम लिखते हैं तो ऊपर चंद्र की बिंदी जो लिखते हैं, जैसे अगर आप पढ़ते हैं तो कोचिंगों में या कॉलेजों में स्कूलों में आपको बताया जाता है कि चंद्र की बिंदी लगाइए, तो इसमें जब किसी स्वर का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। अनुनासिक चिन्ह अंक की बिंदी को चंद्र बिंदु कहते हैं, जैसे चांद, सांझ, आंख, गांव, हंसना आदि। देन हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो यहाँ पे बात करेंगे, पहला ऑप्शन आ, दूसरा आ, अ आ, का गा, था धा, फा भा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका जो है
गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, आपका दूसरा ऑप्शन सही क और ग, उ सही है, तो इस पर बात करेंगे। तो उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण महाप्राण। तो पहली बात तो हम यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अल्प प्राण क्या व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन क्या होता है, तो हम पहले इस पे बात करेंगे। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, इनकी संख्या 20 होती है, जो कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। याद रखने का आसान तरीका जो ये होता है, वर्ग का 135 अक्षर मतलब अंतस्थ, एक उच्छिप्त। जो महाप्राण व्यंजन होता है जिसे बोलने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है, बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, इनकी संख्या 15 होती है, जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित आप देख सकते हैं। तो याद करने का इसका आसान तरीका जो होता है, वर्ग का 2-4 अक्षर, उसमें व्यंजन एक उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। दिन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अपने निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, खा चा था हा। इसमें आपका ऑप्शन जो है फोर्थ सही है। तो कंपन के आधार पर जो हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, अघोष और घोष, जो कि क्वेश्चन आपका घोष के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में अघोष से भी संबंधित हो सकता है। तो आप पहले बात करें अघोष व्यंजन क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, इनकी संख्या टोटल 13 होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक उठ सकता है कि अघोष व्यंजन में इन अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन आपका दिया जाएगा 13, 15, 11, 18। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 13 सही है, जो इस प्रकार देख सकते हैं, का खा चा छ टा ठ ता था पा फा सा सा सा। तो घोष व्यंजन के बारे में बात करेंगे, तो घोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, जिसे घोष वर्ण कहते हैं, इनकी जो संख्या टोटल होती है 31, जो इस प्रकार है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके कंफ्यूजिंग हो सकते हैं ऑप्शंस, तो यहाँ पे घोष व्यंजन के बारे में बात करेगा, आपको ऑप्शन दे देगा 13, 15, 18, 31। तो आप अगर गलती से भी अगर आप भूल गए तो आप 31 टिक कर दे, तो आपका जो है यहाँ पे विपरीत हो जाएगा। घोष और अघोष में आपको याद रखना है कि घोष में जो व्यंजन है 13 और घोष में 31। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट याद करने का तरीका सीधे आप सोच लीजिए कि घोष 31 और अघोष को पलट देंगे, मतलब 13 हो जाएगा, 13 अघोष 13 घोष 31, तो एक दूसरे का अपोजिट है, ये चीज आप ध्यान रखिए। घोष में 3 पहले बड़ा है और अघोष में 3 पीछे है, मतलब जो 3 अक्षर है अघोष में वो 3 पीछे होगा, और घोष में 2 अक्षर है ये 2 अक्षर पहले होगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 की, ए ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन दिएगा नासिक, मूर्धन, अघोष्ट, कंठ तालक्य। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन आपका इसमें सही है, डी ऑप्शन, कंठंड तालक्य। तो जो श्रेणी है उसका आप देख सकते हैं कि श्रेणी और उच्चारण स्थान और वर्ण क्या कहलाते हैं, तो कंठस्थ में विसर्ग कंठ और जीभ का निचला भाग, अ आ ख ख ग घ ह। तालव्य में क्या, तालु और जीभ की बात होती है, ई ई छ छ ज झ। मूर्धन्य में मूर्धा और जीभ की बात होती है, जो कि एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दंत में दांत और जीभ, ओष्ठ में दोनों होंठ, कंठ तालव्य में कंठ तालु और जीभ, कंठोस्थ में कंठ जीभ और होंठ, दंतोस्थ में दांत जीभ और होंठ की बात करती, जो कि जिसका एग्जाम्पल हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया, इस क्वेश्चन पे आप एक बार ध्यान दें, 2 से 3 बार आप जो है क्वेश्चन को रीड करें, वीडियो को 2 बार देखें कम से कम, और क्वेश्चन को जो है तैयार करें। और अगर फिर भी कोई अगर आपको सुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है हम कमेंट देखेंगे, उस पर आपको फीडबैक में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।